हम जा रहे हैं। मैंने यहाँ से कुछ थोड़ा सा लेना था स्किन केयर का, तो वो लेते हैं। हाँ बूट्स में, बूट्स में जा रहे हैं। देखो हाल देख लो, मुझे बूट्स नहीं निकल रहे हैं। हाँ तो वो तो ब्यूटी, मैं थोड़ी देर बाद आई हूँ कसम से, मैंने को पता नहीं देखा। हाँ ये बूट्स पहन के ना, मैंने ना वैसे बूट्स पहन के कभी यूज़ नहीं की, लेकिन इनका ऑयल शॉल तो इनके अच्छे होते हैं। इनका हाइलुरोनिक एसिड, इन्होंने भी हर चीज़ रखी हुई है, देख लो जरा चीज़ है, मतलब ये देखो ना यहाँ पे, मतलब कॉपी से हर चीज़ ही इन्होंने की है। हाँ अगर ऑनलाइन फाइंड करो ना, वो जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं उनकी। हाँ। वो मंगा लो, मैंने तो कई दफ़ा ऑनलाइन भी चीज़ें भी इस तरह मंगाई हैं, इस तरह कई दफ़ा आपको मिलती नहीं है ना चीज़ें। पूछ लो, पूछ लो, आ जाओ। मैंने क्या पकाना है आज, कोई कार्डिगन मुझे लग रहा है ये अच्छी लग रही है इस समर की है। पतली 25% ऑफ लगा हुआ है टेस्को में कपड़ों पे, है ना। हाँ जब तक आपने वीडियो, हाँ जब तक आपने वीडियो देखी तब तक खत्म हो जाए। तो यहाँ पे खरीदारी कर रही है, 70% ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है टेस्को में। और ये देखें जी, उसमें ड्रेस निकाला और ये इसको अच्छा लग रहा है। अब देखें ये लेती है कि नहीं लेती। ये क्या वापस नहीं लेना, लेकिन यहाँ पे 70% ऑफ लगा हुआ है कपड़ों पे, कुछ कपड़ों बाकी सारे कपड़ों पे 25% ऑफ है और यहाँ पे 70% ऑफ। फिर क्या पसंद किया उसमें आपने, यहाँ से कुछ लिया? ये अच्छी लगी, ऑफर तो ना वो अगले वाले कॉर्नर पे लगी हुई थी, डिशेस अच्छी लगी हुई वैसे। नहीं आपको पानी की बोतल से क्या ऑब्सेशन है उसका, आपको कि आपने इतनी इकट्ठी की नहीं? नया टर्म है तो नई पानी की बोतल लेके जाओ। अच्छा मतलब हर टर्म में नया डिजाइन होता है आपके पास? ओ वाओ खत्म हो गई है ना, वो व्हाइट वाली ज़्यादा जल्दी बिक जाती है। सर्विंग वाली चाहिए आपको डिशेस? हाँ मैंने कहा चलो ना डिश वॉशर चेंज, सुबह से कर दो ना फिर शुरू करना, तो फिर दूसरे बर्तन ही निकालने पड़ते हैं। ये देखिए ना लगे हुए ग्लासेस वगैरह अभी सारा कुछ, पर अपनी बॉटल ऑब्सेशन के साथ यहाँ पे ये देखिए पसंद कर रही है, बहुत पसंद है, कितनी प्यारी लगी। हाँ जी जी, ये इसमें थोड़ा गर्म हो जाएगा समर में पानी ना, ठीक। आपको वो वाला चाहिए जिसमें थोड़ा ठंडा रहे, थोड़ा इंसुलेशन हो जिस तरह ये। हाँ हाँ तो वो वाली ले लो, ये पूरी गैलन किसको चाहिए इतनी बड़ी, ये जो नीचे पड़ी हुई। अच्छा चले जी, यहाँ पे हम आ गए हैं घर शॉपिंग करके, मैं और उस्मान, जैसे कि आपने देखा है कि हम शॉपिंग करने गए थे, तो मैंने सोचा अब चल के बनाते हैं फ्रूट चाट। तो चलिए इसकी रेसिपी आपको देती हूँ, बहुत ही खट्टी मीठी मज़े की फ्रूट चाट है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कप जो है हमने काट दिया यहाँ पे बनाना, ठीक है जी। यहाँ पे जी हमने एक कप जो है ये मैंगो हमने काट के ये इसमें ऐड करने हैं, तो ये इसमें मैंगो जी, ये अंगूर भी गया तकरीबन एक कप नहीं है, तकरीबन हाफ कप है, इसमें अंगूर डाल दिए काट के, ठीक है जी। यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरीज भी हो गई और हमने ये 1 कप इसमें स्ट्रॉबेरीज डाल दी है, ठीक है। ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने 1 ऑरेंज ले लिया और उसको मैंने पीसीज में काट लिए, ये भी ऐड करेंगे। यहाँ पे जी मेलन ले लिया, अब ये भी 1 कप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 कप कट कर लिया है एप्पल, और ये एप्पल इसमें जाएंगे 1 कप। यहाँ पे ले लीजिए मैंने 1 कप चने, और ये भी इसमें जाएंगे 1 कप। ये रूबीकॉर्न जो मैंगो जूस है ये इसमें, तो ये इसमें जी हम डालेंगे 3/4 कप, और ये जाएगा इसमें, ये देखें, ठीक है जी। ये इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे जी ले लिए मैंने 4 टेबलस्पून भर के इमली की चटनी, ये ऐड कर देंगे, ठीक है जी। चलो जी ये मैंने 1.5 टेबलस्पून इसमें डाली है आलू बुखारे की चटनी, ये मेरे ऑलरेडी इसकी रेसिपी जो मेरे पेज पे है ये इसमें डाल दी मैंने। 1/4 टीस्पून नमक की,
और हाफ टी स्पून इसमें मैं डालूंगी काली मिर्चें, तो ये हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्चें जाएंगी। ये 3 टीस्पून इसमें जाएंगी शुगर की। चलें ये हो गई, फिर यहाँ पर जाएगा 2 टेबलस्पून चाट मसाला। चलिए जी ये हमने चीज़ें डाली, हम इसको मिक्स करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जी मैंने स्पाइसी चाट बनानी थी इसलिए मैंने मिर्चें ज़रा ज़्यादा डाली हैं और चाट मसाला भी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जी हमने इसको कर लिया है मिक्स, और यहाँ पे हमने लिया बाउल में थोड़ा सा योगर्ट। इसको मैं थोड़ा सा फेंट के थोड़ा पतला कर लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा दूध डाल के इसको आप थोड़ा सा थिन कर लें। चलिए जी चाट हो गई है रेडी, और दही को भी मैंने फेंट के रेडी कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने 2 किस्म के पॉट रखे हुए हैं। एक उज़्मा के लिए बनाना है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को ना खाना दे लें तो हमें सुकून नहीं आता। और ये जो आप दूसरा छोटा वाला पॉट मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आपको मैं इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि आपको बताऊँ कि अगर आपके घर में कोई पार्टी, जैसे कि ईद आ रही है, तो ईद पर भी हम पहले से खाना शाना बना के, तो जैसे हम टेबल सेट करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है अगर आप कॉर्नर में इस तरह बना के इंडिविजुअल पॉट्स में डाल के और रेडी रेडी करके रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ऊपर आप अनार के दाने वगैरह सजाएं इसको प्यारा सा, अच्छा सा, तो बहुत प्यारी लगती है ये चाट। तो चलिए जी, होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दिया कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, एक और रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।